अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ ज़फर खान। दोस्तों आज की जो हमारी रेसिपी है वो है चिकन अचारी कढ़ाई। बनाएंगे इसको हम इस तरह जैसे बनाते हैं शेफ, ना कि इसमें से कोई चीज़ हम करेंगे स्किप। तो बहुत ही आसान रेसिपी है दोस्तों, आप ये बनाएंगे कुछ ही मिनटों में आप इसको तैयार कर देंगे। तो समझिए कि सबसे पहले हमने इसमें कुकिंग ऑयल और उसके बाद हमने इसमें चावल कर दिए टमाटर को, और उसके बाद समझिए छोटी चम्मच हमने लहसुन को लहसुन को पेस्ट की। तो उसके बाद हमने इसमें शामिल किया सिंपल से मसाले जो कि आम घर में इस्तेमाल करते हैं, हल्दी पाउडर और सरसों का तेल पाउडर। उसके बाद हमने जायका नमक और इसी धनिया। अगर आप सरसों का तेल नहीं खाते तो आप काली शामिल कर सकते हैं, या आप स्किप भी कर सकते हैं, हरी डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं। चिकन था हमारा आधा किलो और वो था फ्रीज हुआ, तो इसलिए हमने इसको कर दिया है दम। दम से ये होगा कि चिकन का जितना भी है इसके में पानी फालतू वो सब आ जाएगा बाहर। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की। जब भी आप इसको दम लगाएं तो आपने बिल्कुल आँच को धीमी रखनी है या धीमी आँच पे आपने रखना है, नहीं तो अगर आपने बहुत ही इसमें तेज़ आँच पर रखा तो आपका चिकन जलने का भी अंदेशा है। तो दोस्तों फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझते तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो एक दफ़ा हमने फिर इसको दम पे लगाना है 10 मिनट के लिए। टोटल ये प्रिपेयर टाइम था 20 मिनट के लिए। तो उसके बाद इंशाल्लाह हमारी चिकन बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। तो हम आपको वो भी सीक्रेट बताते हैं जो भी इस रेसिपी का मेन इन्ग्रीडियंट्स है या मेन सीक्रेट है। तो अचारी जब भी आपने चिकन बनानी है तो ना उसमें अचार शामिल करना और ना ही उसमें आपने इमली या अमचूर ऐसी चीज़ नहीं शामिल करनी। अच्छा एक रेसिपी आपके साथ शेयर की है तो आपको ज़रूर ये इंशाल्लाह पसंद आए। जब भी आप चिकन तैयार करें तो चिकन को जितना हो सकता है आपने इसको भूनना है, जितना इसमें भूनेंगे इतनी इसमें और लज्जत और टेस्ट इसमें शामिल हो जाएगा आपकी खुश का बोल बोल शुक्रिया। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि हमारे चिकन में से बिल्कुल पानी खुशबू हो गया। अगर आप होते हमारे साथ तो जरूर हमको आपको इस दावत में करना था आपको शरीक। तो आपकी हौसला अफजाई या हमारी हौसला अफजाई कर दिया करें, उससे ये होता है कि हमें भी अपने दोस्तों पे फख्र होता है। और उसके बाद अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद है तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करना। तो मेन सीक्रेट जो था हमने इसमें 2 चम्मच दोस्तों शामिल किया है सिरका सफ़ेद। वो भी आपने कोशिश करनी है कि अच्छी किसी कंपनी का लेना है, लोकल सिरका आपने लेना है। और दूसरे नंबर पर आपने सिरका शामिल करने के बाद इसको लाजमी आपने भूनना है, गैर भूनने के नहीं तो इसमें से एक कि अपनी स्वाद आएगी। जब आप भूनेंगे तो उसके बाद आपको इसको बिल्कुल अचार का टेस्ट आपको परफेक्ट मिलेगा। तो ये थी हमारी मेन रेसिपी दोस्तों, आपका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखना, मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ।